अमित शाह दौरे पर रहेंगे, मध्य प्रदेश आएंगे। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हुआ है। राजधानी भोपाल पहुंचेंगे 26 जुलाई को शाम 7:40 पर भोपाल शाह पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शाम 8 बजे बीजेपी दफ्तर वो पहुंच जाएंगे और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भोपाल के निजी होटल में रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहीं 27 जुलाई को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, मध्य प्रदेश दौरा और दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। तो भोपाल के निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे और 27 जुलाई को वापस भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इससे पहले भी अमित शाह पहुंचे थे और एक टीम तैयार की गई है चुनाव को लेकर, खास तैयारी बीजेपी कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, जिम्मेदारी भी दी गई है और ऐसे में एक बार फिर से अमित शाह का दौरा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से राजधानी भोपाल अमित शाह पहुंचने वाले हैं, फोकस 2023 है और ऐसे में कार्यक्रम भी अब मिनट टू मिनट जारी कर दिया गया है। देखिए, पिछली बार भी जब 11 तारीख को अमित शाह पहुंचे थे तो उसी तरह का कार्यक्रम इस बार भी है और महत्वपूर्ण यह है कि आने का वक्त भी वही था और जाने का वक्त इस बार दूसरे दिन रहेगा, यानी 2 दिन रुकने वाले हैं। देर रात तक ये बैठक चलने वाली, करीब 11:30 बजे रात तक ये बैठक चलेगी। 8 बजे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर वो पहुंचेंगे तो लगातार बैठकों का दौर चलेगा। 3 घंटे बैठक रहेगी और बैठक में जितना भी अभी तक मसला हुआ, जो रणनीति बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब उस पर मोहर लगने की तैयारियां हैं। जो सूचियां जारी होना है वो अमित शाह के आने के बाद ही जारी होगी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 2-3 दिन मैं आ सकती है सूचियां, अलग अलग जो प्रबंध कमेटियां बनाई गई उनकी, लेकिन अब वो सूची अमित शाह जी के आने के बाद ही जारी होने वाली। बड़ी बात ये भी है कि इस बैठक के बाद और भी अलग अलग तरह की जो रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, उन तमाम रणनीतियों पर अब बातें भी होंगी। और बात ये भी कही जा रही है कि जो टिकटों की बात होना है या बाकी जो अन्य बातें होना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अमित शाह यहाँ बैठने वाले और दूसरे दिन सुबह भी कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली। करीब 13 से ज्यादा मेंबर्स इस बैठक में शामिल रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो सब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब वो लोग हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। और इस बार की बैठक के बाद पूरा प्रोग्राम चेकआउट हो जाएगा कि आखिर किस तरह भारतीय जनता पार्टी 2023 चुनाव को लेकर बढ़ने वाली। कुल मिलाकर 26 और 27 को अमित शाह जी यहाँ रहने वाले। 26 की देर रात तक बैठक चलेगी और 27 को सुबह करीब 10:30 बजे वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ये वही नेता हैं, दिग्गज हैं, जो पिछली बार भी बैठक में शामिल रहे थे। बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है और मिलने भी वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चलिए आगे।